तो टेक्नो सर्वर में पहला जो अपडेट निकल के आया इसमें कुछ है, रियलमी सी 65 जो है इसमें आपको 6.67 इंच आपको एच डी डिस्प्ले हुई था आपको अप टू 120 गीगाहर्ट्ज़ आपको रिफ्रेश रेट दिया गया, 240 गीगाहर्ट्ज़ आपको टच सैम्पलिंग रेट दिया गया, पीक ब्राइटनेस ऑफ 625 निट्स का दिया गया आपको, उधर प्रोसेसर दिया गया 6 NM MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया, 6 GB LDDR4X रैम दिया गया एंड अप टू 128 GB ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया, एंड्रॉयड 14 बेस्ड आपको रियलमी UI 5.0 दिया गया, रियर कैमरा आपको जो दिया गया 50 MP का दिया गया, फ्रंट कैमरा दिया गया 8 MP का, बैटरी आपको दिया गया 5000 mAh का, आपको 15 W का वायर्ड क्विक चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 दिया गया, IP54 रेटेड, डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट दिया गया। अपडेट निकल के है रियलमी की तरफ से। तो दूसरा जो अपडेट निकल के आया इसमें कुछ है, लावा O2 इसमें आपको 6.5 इंच आपको HD डिस्प्ले हुई था आपको, 90 GHz रिफ्रेश रेट दिया गया, प्रोसेसर आपको ऑक्टाकोर यूनिस्को T616 SoC प्रोसेसर दिया गया, 8 GB रैम दिया गया एंड आपको 128 GB ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया, एंड्रॉइड 13 बेस्ड आपको OS दिया गया, डुअल रियर कैमरा दिया गया आपको, फ्रंट कैमरा दिया गया 8 MP का, आपको बैटरी दिया गया 5000 mAh का, 18 W का वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। ये अपडेट निकल के है लावा की तरफ से। तो तीसरा जो अपडेट निकल के है इसमें कुछ है, लेनोवो योगा 7i जिसमें डिस्प्ले दिया गया 14 इंच आपको OLED आपको स्क्रीन विद आपको एंड पीक ब्राइटनेस ऑफ 60 nits का दिया गया, विद 120 GHz रिफ्रेश रेट दिया गया, 1 TB ऑफ PCIe M2 Gen 4 SSD स्टोरेज दिया गया आपको, बैटरी दिया गया 71 W का आपको दिया गया, प्रोसेसर आपको इंटेल अल्ट्रा 7 1155H CPU दिया गया। ये अपडेट निकल के है लेनोवो की तरफ से। तो पोको M6 जो है इसमें आपको 6.74 इंच आपको डिस्प्ले, 90 GHz रिफ्रेश रेट दिया गया आपको, 8 GB ऑफ LDDR4X रैम दिया गया एंड अप टू 256 GB आपको UFS 2.2 इनबिल्ट स्टोरेज दिया गया आपको, रियर कैमरा दिया गया 50 MP का, फ्रंट कैमरा दिया गया 5 MP का, आपको बैटरी दिया गया 5000 mAh का, 18 W का वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। ये अपडेट निकल का है पोको की तरफ से।